मिला, लेकिन उसे अभिनेता तो बनना ही नहीं था, तो उसने सीधे निर्माताओं को परेशान करना शुरू किया। उसके तो कई किस्से हैं। एक फिल्म में किशोर कुमार गाड़ी चलाते हुए बंगले से बाहर निकलता है, किशोर कुमार ने गाड़ी शुरू की, बंगले से बाहर आया, गया गया गया, बंबई से सीधा खंडाला। ऐसा क्यों? तो बोला निर्देशक ने कटिट का इशारा दिया ही नहीं। गाने की रिकॉर्डिंग पर भी वो हलचल मचाता था। जब भी वो रिकॉर्डिंग को आता, रिकॉर्डिंग रूम में जाकर हेडफोन लगाता और सवाल पूछता, बाबू नाम का एक आदमी हमेशा उसके साथ रहता, बाबू ने हाँ कहा कि फिर रिकॉर्डिंग शुरू, क्योंकि कॉफी पिया का मतलब निर्माता ने पैसे दिए या नहीं। एक बार तारदेव फिल्म सेंटर में एक रिकॉर्डिंग थी, हमेशा की तरह वो रिकॉर्डिंग रूम में गया, हेडफोन लगाकर सवाल पूछा, क्या तो कॉफी पिया? अपने जवाब ना आवाज, फिर से उसने पूछा, कॉफी पिया? वही जवाब। हेडफोन निकालकर बाहर आया, म्यूजिशियंस की तरफ देख बोला, आजकल आप बहुत खराब है, बात नहीं करेंगे। उससे नहीं सीधे उठा, सीधा गाड़ी में जा बैठा, बाबू को बोला चलो घर चले चुहू। घर के नजदीक पहुंचते ही चुप्पी छोड़ी और बोला, ऐसे तो रहते यार, पैसे नहीं लाते, गर्माते बनते, अभी गाड़ी को बुलाते हैं। घबराते हुए बाबू ने कहा, लेकिन साहब आज तो अपनी ही फिल्म की रिकॉर्डिंग थी। जब भी रिकॉर्डिंग को आता, उसके हाथ में एक बबुआ रहता था, वो उसके साथ बातें करता, उसके डायलॉग भी कुछ ही बोलता, निर्माता को उसके मुंह पर उस बबुआ के जरिए गालियां भी देता। एक नखत शरारती लड़का हमेशा उसके मन में बसा हुआ था। Yeah.